वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज की फिल्म है द पर्ज। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2014 में अमेरिका की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका होता है, पार्टी पावर में आने के बाद एक लॉ पास करती है जिसका नाम होता है पर्ज। साल में एक दिन के लिए सभी तरह के क्राइम्स को लीगल कर दिया जाएगा, चाहे वो मर्डर हो, रेप हो या चोरी डकैती, सब कुछ लीगल होगा, लेकिन सिर्फ 12 के लिए। इन 12 घंटों में सभी इमरजेंसी सर्विसेज बंद रहेंगी, जैसे हॉस्पिटल, पुलिस एक्सेट्रा। अब साल है 2022, अमेरिका पूरी तरीके से क्राइम फ्री हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट भी गिरकर 1% हो गया है। आज की रात पर्ज की रात होती है। एक बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम जेम्स सैंडिन होता है, वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं। जेम्स की कंपनी घरों के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाया करती थी। जेम्स ने अपने साथ नीले कलर के फूल लिए थे, जिसका मतलब होता है कि ये भी पर्ज को सपोर्ट करते हैं। जेम्स घर आकर अपनी वाइफ से मिलते हैं। उनकी वाइफ कहती है, हमारी बड़ी बेटी जोई आपसे नाराज है, आपको उससे बात करनी चाहिए। जेम्स कहते हैं, जोई अब बड़ी हो रही है, उसे अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। रूम के अंदर जोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम हेनरी होता है। वो उम्र में जोई से बहुत बड़ा होता है, इसीलिए जोई के डैड इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं करते थे। जोई को अपने डैड की आवाज आती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर जाने को कहती है। जेम्स की वाइफ मैरी बाहर आकर अपने पड़ोसियों से मिलती है। मैरी के नेबर्स भी कहते होते हैं कि तुम बहुत लकी हो जो इतने बड़े घर में रहती हो। मैरी के पास एक छोटा सा टॉय आता है जिसमें कैमरा होता है। इसे मैरी के छोटे बेटे चार्ली ने बनाया होता है। चार्ली अपनी मॉम को अपने खिलौने की खासियतें बताता है। शाम होती है, सभी लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। जेम्स बताते हैं, मेरे डिवीजन ने सबसे ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचे हैं। सभी लोग उनको कॉन्ग्रेट्स करते हैं। जेम्स बताते हैं, लॉकडाउन का टाइम शुरू होने वाला है। वो सीसीटीवी कैमरा पे बाहर की सिचुएशन देख रहे होते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए गन्स भी अपने पास रखी होती हैं। लॉकडाउन शुरू ही होने वाला था। जेम्स अपने घर को पूरी तरीके से सिक्योर कर लेते हैं। सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। रात के 7 बज जाते हैं। एक सायरन बजता है और उसी के साथ पर्ज नाइट शुरू हो जाती है। ये सुबह 7 बजे तक चलेगा। जोई अपने रूम में वापस आ जाती है। रूम में उसका बॉयफ्रेंड हेनरी भी होता है। यहाँ से जाने पर थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया था। जोई का बॉयफ्रेंड हेनरी जोई से बोलता है कि मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी होगी, उनको अपने रिलेशन के बारे में समझाना होगा। चार्ली अपने खिलौने से खेलते हुए सीसीटीवी वाले रूम में आ जाता है। यहाँ पर वो मॉनिटर में एक आदमी को भागते हुए देखता है। चार्ली रूम में आकर मॉनिटर पे देखता है, वो आदमी मदद मांग रहा होता है। हेनरी जेम्स से बात करने आ रहा होता है। चार्ली को उस आदमी पर दया आने लगती है। चार्ली अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर देता है। चार्ली गेट खोलकर उस आदमी को अंदर बुलाने लगता है। उसके पेरेंट्स भागते हुए आते हैं और घर को वापस सिक्योर करते हैं, पर तब तक वो आदमी घर के अंदर आ चुका था। जेम्स उस आदमी को देखता है। जेम्स को नहीं पता होता है कि वो खतरनाक है या नहीं। जेम्स अपनी गन बाहर निकालते हैं। सीढ़ियों से हेनरी नीचे आते हुए जेम्स के ऊपर फायरिंग करने लगता है। बदले में जेम्स भी उसके ऊपर फायरिंग करता है। हेनरी को बचाते हुए जोई उसे अंदर ले जाती है। वो काला आदमी भी इनके घर में कहीं छुप गया होता है। हेनरी के पेट में गोली लग गई होती है। जोई उसे देखकर रो रही होती है। जेम्स कहता है, मैं जोई को देखने जा रहा हूँ। दोनों लोगों को वो इसी रूम में रोक देता है। जेम्स ऊपर वाले रूम में पहुंचकर बेहोश हेनरी को देखता है। वो उसकी नर्व्स चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि हेनरी मर चुका है। मैरी को जोई की आवाज आती है। वो गेट खोल देती हैं। जोई को ढूंढती हैं। जोई उन्हें मिल जाती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि हेनरी ऐसा करने वाला है। चार्ली अपनी मॉम को आवाज दे रहा होता है। जोई दूसरी तरफ चली जाती है। मैरी आकर चेक करती हैं। जेम्स को भी कुछ आवाज आती है। मॉनिटर पर देखते हैं, बहुत सारे लोग हथियार लेकर उनके घर के सामने खड़े होते हैं। उन आदमियों का लीडर जेम्स से कहता है, हमें पता है कि आप पर्ज के समर्थक हैं। वो कहता है, हम हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे और अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। हमारा टारगेट हमसे छूट गया है। आपके पड़ोसियों ने हमें बताया कि आप लोगों ने उसे अपने घर पर छुपाया है। आप हमें उस आदमी को वापस कर दीजिए, वरना आपको और आपके
आपके परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, फैसला आपके हाथ में है। उन लोगों ने इनके घर की लाइट भी काट दी होती है। मैरी पूछती है, वो लोग हमारी सिक्योरिटी तोड़ तो नहीं पाएंगे? जेम्स कहता है, मुझे नहीं पता, सिस्टम को इतनी बदतर सिचुएशन के लिए नहीं बनाया गया था। जेम्स कहता है, हम उस आदमी को ढूंढेंगे, उसे घर से बाहर निकाल देंगे। जेम्स टॉर्च लेकर पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देता है। मैरी भी टॉर्च लेकर ढूंढ रही होती है। चार्ली को भी आइडिया आता है, वो अपने खिलौने के जरिए उस आदमी को ढूंढने लगता है। चार्ली उस आदमी को ढूंढ भी लेता है, उसका ध्यान अपने खिलौने की तरफ अट्रैक्ट करता है, खिलौने को अपने रूम की तरफ ले जाता है। वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। अपने रूम की सीक्रेट प्लेस में चार्ली उस आदमी को छुपा देता है। रूम में मैरी आ गई होती है, पर उन्हें ऊपर से कुछ आवाज आती है, वो ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। बर्जर्स जेम्स को कहते हैं कि आप दरवाजे पर आइए, मुझे आपको कुछ कहना है। जेम्स गेट पर जाते हैं, वो आदमी कहता है, आप हमें उस आदमी को सौंप क्यों नहीं रहे, कहीं आप उसे बचाना तो नहीं चाहते? जेम्स कहते हैं, हम उसे बचाना नहीं चाहते, मैं उसे अपने घर में ढूंढ नहीं पा रहा। वो आदमी कहता है, उसे जल्दी बाहर भेजो। जेम्स उसे ढूंढने चले जाते हैं। जोई को चार्ली का खिलौना दिख जाता है। वो कहती है, चार्ली मुझे नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, बाहर बहुत सारे लोग हैं, हेनरी मर चुका है, मेरे पास उसकी गन है, मैं तुम्हारी सीक्रेट प्लेस पर छुप रही हूँ। जेम्स भी उस आदमी को ढूंढते हुए ऊपर की तरफ आते हैं। वो देखते हैं उस आदमी ने जोई को गन पॉइंट पर ले रखा होता है। काला आदमी जेम्स को उसकी गन फेंकने के लिए कह रहा था। जेम्स कहते हैं, तुम मेरे पूरे परिवार को मरवा दोगे। वो आदमी कह रहा होता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जेम्स देखता है उस आदमी के पीछे मैरी खड़ी होती है। जेम्स मैरी से शूट करने के लिए कहते हैं। काला आदमी जोई को यहाँ पर फेंक कर यहाँ से भागने लगता है। जेम्स उसे पकड़ लेते हैं। दोनों लोगों में छीना झपटी होने लगती है। इसी चक्कर में गोली चल जाती है। गोली काले आदमी को लगी होती है। जेम्स मैरी से रस्सी लाने को कहता है हमें इस आदमी को बाहर भेजना होगा। जोई बेहोश होती है। जेम्स उस आदमी को बांध देता है। उसके हाथ पैर बन चुके थे, पर वो होश में आ गया था। वो छटपटाने लगता है। जेम्स मैरी से कहता है, एक चाकू लेकर आओ और इसके जख्म पर दबाव डालो। मैरी जब ऐसा करती है, वो आदमी चिल्लाने लगता है। जेम्स कहता है कि अगर शांति से हमारी बात नहीं मानी तो वो ऐसा दोबारा करेगी। वो आदमी शांत हो जाता है। जेम्स उसे कुर्सी पर बैठा देता है। जेम्स उसे टेप से बांधने लगता है। तभी मैरी कहती है, हम लोग क्या कर रहे हैं इस आदमी के साथ? ऐसा करना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर इनकी भी मजबूरी थी। जेम्स मैरी को भी कहता है, मैं ऐसा सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। चार्ली यहाँ से चला जाता है। मैरी चार्ली को ढूंढने जाती है। जोई को भी होश आ गया था। जेम्स देखता है उसके सर पर थोड़ी सी चोट लगी होती है। जेम्स हेनरी के लिए माफी मांगता है। जेम्स कहता है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोई कहती है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो यहाँ से चली जाती है। काला आदमी कहता है, अपने बच्चों को बचा लो, तुम मुझे उनके हवाले कर दो। मैरी चार्ली को ढूंढते हुए मेन गेट की तरफ आ जाती है। वो देखती है उन लोगों ने बड़ी बड़ी चेन्स को घर के बाहर लगी शील्ड पर बांधा होता है, उसे एक ट्रक के जरिए खींचने वाले होते हैं। मैरी जेम्स को बताती है कि वो लोग घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ली यहाँ पर आता है। वो पूछता है, क्या आप लोग उस आदमी को बाहर भेज देंगे? जेम्स कहता है, नहीं। वो एक गन चार्ली को दे देता है। चार्ली से कहता है, तुम बेसमेंट में जाकर छुप जाओ। जेम्स कहता है, हम उन परजर्स का सामना करेंगे। जेम्स और मैरी अपने हाथों में गन्स ले लेते हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए। जेम्स कहता है, ये हमारा घर है, हमारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, कोई भी आदमी हमारे घर में घुसने की कोशिश करे तुम उसे गोली मार देना। बाहर से वो आदमी जेम्स और मैरी को धमकी देने लगता है। कहता है, तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब खून खराबे के लिए तैयार हो जाओ। जेम्स और मैरी भी घर में छुप जाते हैं। उन लोगों ने शील्ड्स को बाहर से तोड़ दिया था। घर के दूसरे दरवाजे और विंडोज को भी उन्होंने तोड़ दिया था। काले आदमी को यहाँ पर एक चाकू मिल जाता है। वो अपनी रस्सियाँ काटने लगता है। बर्जर्स घर में घुस चुके थे, वो पूरे घर में फैल गए थे। चार्ली को भी अपने गेट पर कुछ आवाज आती है। चार्ली अपने टॉर्च को बंद कर देता है। जब वो टॉर्च को दोबारा ऑन करके देखने लगता है, एक आदमी उसके सामने होता है। चार्ली जोर से चिल्लाने लगता है। वो आदमी चार्ली को मारने वाला था।
जेम्स वहाँ पर पहुँचकर उस आदमी को मार गिराते हैं। वो चार्ली को अपने साथ ले जाते हैं। उनके बॉस को जोई की तस्वीर दिखती है। वो जोई के कमरे में पहुँच जाता है। उसे पता होता है जोई बेड के नीचे छुपी है, पर वो जोई को मारता नहीं। वो अपने आदमी से कहता है, ये लड़की खूबसूरत है, ये मुझे चाहिए। ये कहकर वो बाकियों को मारने चला जाता है। जेम्स चार्ली को एक रूम में छुपाता है, उसे कहता है यहीं पर रहना। जेम्स को ढूंढते हुए दो आदमी और मिल जाते हैं। वो उन पर हमला करता है। वो दोनों भी जेम्स के ऊपर हमला कर देते हैं। जेम्स उनसे बचते हुए एक लड़की को मार गिराता है। दूसरा लड़का जेम्स के ऊपर हमला कर देता है, पर जेम्स उसे भी मार गिराते हैं। एक और आदमी घर में घुसकर जेम्स के ऊपर हमला करता है। जेम्स उसे कुल्हाड़ी से मार देते हैं। जेम्स रूम से बाहर जाने लगते हैं। बॉस आकर जेम्स के पेट में चाकू मार देता है। वो आदमी जेम्स से कहता है, आपकी आत्मा शुद्ध कर दी गई है। चार्ली मॉनिटर पर देख रहा होता है। दो पर्जर्स बाहर खड़े होते हैं। दो लोग यहाँ पर आकर उन दोनों को गोली मार देते हैं। मैरी के ऊपर एक लड़की हमला कर देती है। एक लड़का और लड़की उसे पकड़ लेते हैं। लड़की उसके पेट में चाकू मारने ही वाली होती है कि दो आदमी यहाँ पर पहुंचकर मैरी की जान बचा लेते हैं। वो दोनों घर में बाकी पर्जर्स को भी मारने लगते हैं। मैरी को जख्मी जेम्स दिखता है। वो जोई और चार्ली को आवाज देने लगती है। चार्ली यहाँ पर आ जाता है। बॉस बंदूक लेकर इनके सामने खड़ा होता है। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि उसी वक्त जोई यहाँ पर पहुंच जाती है। वो 6 की 6 गोलियां उस आदमी को मार देती है। वो भी अपने डैड के पास आई होती है। उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांग रही होती है। उनका काफी ब्लड लॉस हो चुका था। उनकी मृत्यु हो जाती है। तीनों लोग रो रहे होते हैं। जिन लोगों ने पर्जर्स को मारा था वो सब यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से कुछ तो मैरी के पड़ोसी होते हैं। मैरी उन्हें थैंक यू कहती है। वो लोग कहते हैं, हमें धन्यवाद मत बोलो, तुम्हारी जिंदगी अब हमारे हाथ में है। वो जेम्स की बॉडी को यहाँ से ले जाते हैं। कहते हैं, जेम्स अब मर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। तीनों को बांध देते हैं। मैरी उन्हें रोक रही होती है। कहती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लोग कहते हैं, तुम लोग बहुत अमीर हो गए थे, तुम लोग अपने आप को परफेक्ट समझने लगे थे, ये उसी का नतीजा है। पड़ोसी अमेरिका में भी जलनखोर होते हैं। मैरी उनके सामने गिड़गिड़ा रही होती है, पर वो लोग नहीं मानते। वो तीनों को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। इनको मारने ही वाले थे तो काला आदमी उनके पीछे आकर एक आदमी को मार गिराता है। सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है। काला आदमी तीनों को खुलवा देता है। उन सभी को गन पॉइंट पर लेकर मैरी से कहता है, जो तुम्हारा फैसला होगा मैं वही करूंगा। मैरी कहती है, मेरा फैसला है इन सभी को जिंदा छोड़ दो। सभी लोग कुर्सी पर बैठकर सुबह 7 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी पड़ोसियों के सर शर्म से झुके होते हैं, इसीलिए मैरी ने उन्हें छोड़ दिया होता है। मैरी की पड़ोसी उससे गन छीनने लगती है। मैरी उसके मुंह पर गन मारती है। उसका सर टेबल पर पटक कर कहती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, अब कोई खून खराबा नहीं होगा। सुबह के 7 बज जाते हैं। सायरन बजता है। पर्ज नाइट खत्म हो जाती है। मैरी सभी को अपने घर से भगा देती है। काला आदमी भी जाने लगता है। मैरी उसे रोकती है। उसे अपने परिवार की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। तीनों लोग गेट पर खड़े होते हैं। पुलिस सायरन्स की आवाज आने लगती है। ये कहानी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।